देखिए भाई, इजी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन होते ही इजी हैं आपके सारे। पहला क्वेश्चन देखें, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ धनावेशित हो जाती है। छड़ धनावेशित हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। भाई धनावेश तभी तो आएगा, तो आंसर क्या आ गया, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, यानी रेशम पर क्या आ गया, धनावेश। आंसर ठीक कर जाओ, आंसर किसे भी चेक कर लेना, कहीं करेक्शन हो तो बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, हवा में रखे दो आवेशों के मध्य कुछ बल कार्यरत है। यदि पीतल की एक प्लेट, कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। आगे देखिए, हवा में रखे दो आवेशों के मध्य कुछ बल कार्यरत है, यानी कि विद्युत बल कार्यरत है। पीतल की एक प्लेट को आवेशों के मध्य रख दे तो बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि माध्यम में बल एफ अपोन में क्या होता है, एप्सिलॉन आर, और धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, अनंत। तो एफ अपोन में इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा, जीरो। धातु की प्लेट रख दिए इसलिए आ जाएगा शून्य, क्लियर। ये अन्य कोई पदार्थ की होती तो उसका भाग चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर इकाई धनावेश पर लगने वाले बल के तुल्य होती है। बात सही है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है बल बटे आवेश। इकाई धनावेश स्रोत आवेश से परिमाण से क्या होगा, बहुत कम होगा। भाई इकाई आवेश का परिमाण क्या होगा, बहुत कम होगा। बहुत दूर हो के बहुत पास हो के परिमाण से क्या हो, बहुत कम हो। नोट कर लो फटाफट से, क्योंकि परीक्षण आवेश होता है उसका मान क्या लेते हैं, अपन कम लेते हैं। परीक्षण आवेश क्या रहना चाहिए, बहुत ही कम रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, ये आंसर टिक कर जाना। ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। यदि 9q आवेश और 3q आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर स्थित हो, तो वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या हो, शून्य है। तो देखिए भैया, एक आवेश यहां तो है 9q, और यहां पर कितना है, 3q है क्या? बिल्कुल है भाई, 3q है, यहां पर 3q है। इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। मान लिया इस बिंदु पर तीव्रता शून्य होगी। अगर इस बिंदु पर तीव्रता अपन क्या लेते हैं भैया, शून्य लेते हैं, तो देखो अपन ये लेते हैं कि चलो इस बिंदु पर तीव्रता शून्य है, तो ये दूरी कितनी है इससे, एक्स है। तो ये दूरी क्या बचेगी, आर माइनस एक्स। यहां पर तीव्रता का मान अपन शून्य ले रहे हैं, तो देखो इस आवेश के कारण तीव्रता और इस आवेश के कारण तीव्रता, दोनों धनावेश है, कुल तीव्रता क्या होनी चाहिए, शून्य। यानी कि यूं कह सकते हैं, इन दोनों का परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर। यानी इस आवेश का कितना होगा, के 9q, दूरी कितनी है x, ये इक्वल होगी इसके कारण तीव्रता कितनी होगी, के 3q अपॉन में कितनी दूरी है इसकी, r माइनस x, इसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। हो गया, भाई दोनों की तीव्रताएं बराबर होंगी इस बिंदु पर, तभी तो शून्य होगी, क्योंकि दोनों धनावेश हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं आपकी। अब देखिएगा आगे क्या क्या कट रहा है इसमें से, कैसे के को कैंसिल करो, क्यू से क्यू को कैंसिल करो, 3 से 9 को करो, 3 अपोन में एक्स स्क्वायर, 1 अपोन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का रूट ले दो तभी स्क्वायर हटेगा। दोनों पक्षों का अगर आप रूट लेते हैं, तो देखो समीकरण में आ जाएगा रूट ऑफ 3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर माइनस एक्स। हो गया कि नहीं हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं, तो देखो एक्स इज इक्वल टू
रूट ऑफ थ्री आर माइनस रूट ऑफ थ्री एक्स, यानी कि एक्स इसको इधर ले आओ, एक्स प्लस रूट ऑफ थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री आर। तरीके से सोल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए एक्स क्या आ गया है कॉमन, वन प्लस रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री आर। क्या निकालना चाहते हो आप? एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ थ्री आर अपॉन में वन प्लस रूट ऑफ थ्री। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कोई नहीं है, कैसे नहीं होगा, देखो इसको इसके अकॉर्डिंग बदल दो, रूट ऑफ थ्री का पूरे में भाग दे दो, बट्टे में लिया ही इसने ऐसा है, रूट ऑफ थ्री का इसमें भाग दूंगा तो कितना हो गया वन, अरे रूट ऑफ थ्री अपॉन रूट ऑफ थ्री आर, इधर ये आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन में रूट ऑफ थ्री। अब देखो पहला आ गया, नाइन क्यू से दूरी एक्स ही तो है, आप सर दिख तो नहीं रहा है, तीन दिख रहा है भाई, रूट पूरे के में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्मॉल आर अपॉन में वन प्लस रूट ऑफ वन बाई थ्री, बात एक ही है ना, देख लो चेक करो नोट कीजिए, पिक ले लो इसकी फटाफट से, अच्छा क्वेश्चन है ये, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, एक वर्ग के केंद्र पर माइनस के प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इस आवेश के कारण वर्ग के कोने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान E1 और वर्ग की भुजा के मध्य बिंदु पर तीव्रता का मान E2 हो, तो E1 E2 का मान क्या होगा? एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए ये एक वर्ग है, अब आप देखो एक वर्ग के केंद्र पर यहां पर ये प्लस का आवेश है रखा हुआ, वर्ग के कोने पर विद्युत क्षेत्र, भैया ये लो कोना, यहां पर तीव्रता कितनी आ रही है E1, अब बताओ अगर इसकी भुजा ये A है तो ये बात तो यार आप अच्छे से जानते हो कि ये दूरी कितनी होगी, A अपॉन में रूट ऑफ टू होगी, A अपॉन में रूट ऑफ टू होगी, फिर यहां पर E1 है तो इधर देखो इस बिंदु पर ये मध्य का बिंदु आ गया, यहां दूरी कितनी होगी ए बाई टू, यहां तीव्रता कितनी है ई टू, अरे आधी हो गई ना, ये तो केंद्र है इसका यहां पर आवेश रखा हुआ है। अब सुनो आप ये तो अच्छे से जानते हो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो दोनों स्थितियों पे मान निकालो, पहले निकाले E1 यानी कोने पर के क्यू, बताओ दूरी कितनी है ए अपॉन में रूट ऑफ टू, इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, ए अप रूट ऑफ टू का स्क्वायर करेंगे दो आ जाएगा, दो ऊपर आ गया कि नहीं आ गया, अब आ जाओ इस पे ई टू का मान के क्यू, बताओ दूरी का मान कितना है ए बाई टू, ए बाई टू का क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अपॉन में फोर, तो फोर ऊपर आ जाएगा, ये लो आगे दोनों मान, इन दोनों का अनुपात है, अच्छे क्वेश्चन है ये, E1 अपॉन में E2 भाग दे लो भैया, क्या आंसर आएगा बताओ, वन बाई टू है ऑप्शन, ये लो नोट करो, हो गया आंसर, आंसर की भी चेक कर जाओ, कोई करेक्शन हो तो पता चल जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है भैया ये। किसी स्थिर वैद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10^-19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही तो होता है भाई, क्वांटिकृत है आवेश, कैसी राशि है क्वांटिकृत, इसलिए और क्या सही तो है, आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा, भाषा कुछ भी हो सकती है, तरीके से समझना अपन को है, आवेश की क्वांटिकृत मात्रा यही है। समविभव पृष्ठ में से पारित फ्लक्स हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, भैया ये खूब लिखाया हुआ है आपकी कॉपी में देखना, आप
पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, हो गया। अगला देखो, अर्धगोलाकार सतह को समान विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा जाता है कि ई की दिशा अर्धगोलाकार सतह के अक्ष के समानांतर हो, तो पारित विद्युत फ्लक्स, ये लो भैया फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई किसका नियम है, गाउस प्रमेय से पढ़ते थे अपन ये सर, बताओ ई की वैल्यू तो ई है, ये ए का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सेकंड आ गया, हो गया उस आगे देखो अच्छे क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के दो रैखिक आवेशों के बीच की दूरी एक मीटर और प्रति इकाई लंबाई पर एक कूलम आवेश है, एक रैखिक आवेश के कारण दूसरे इकाई लंबाई पर बल न्यूटन में क्या होगा, ये लो भैया इकाई लंबाई पर बल का फॉर्मूला ये होता है एफ अपॉन में एल इज इक्वल टू टू के लैम्डा वन लैम्डा टू अपॉन में आर, मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर। तो देखो टू तो टू है भैया, के की वैल्यू वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा वन कितना है एक, लैम्डा टू भी कितना है एक, आर कितना है एक, सब एक एक ही देख लो, तो इसका मतलब क्या रह गया वन अपॉन में टू पाई एप्सिलॉन नॉट है, कोई सा पहला ही ऑप्शन, किसी भी क्वेश्चन में कोई करेक्शन है ही नहीं भैया। हो गया देखो, कुचालक गोले के अंदर त्रिज्य जाने पर विद्युत भीतर जाने पर लगातार बढ़ती जाएगी भैया, उसके भीतर की ओर त्रिज्या लंबवत उसकी स्थिति में जा रहे हैं अपन, हाँ विद्युत संक्रमण लगातार बढ़ता जाएगा, लगातार क्या होगी भैया इसके अंदर बढ़ती जाएगी कौन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी इसमें सतह पर मैक्सिमम होता है लगातार घटती जाएगी, इसमें इसमें क्या होगी लगातार घटती जाएगी, ये होगा आंसर की में देखना भैया, लगातार क्या होगी घटती जाएगी, हो गया लगातार घट जाएगी कर लेना इसमें ना, क्योंकि सतह पर मैक्सिमम मान लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, आवेशित परत, अरे आवेशित परत के कारण तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन होता है, सीधा फॉर्मूला है, आवेशित परत के कारण तो क्या होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल, और एच चालक के कारण सिग्मा अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्वेश्चन अच्छा है देखो आपके लिए, एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई स्मॉल a है के प्रत्येक कोने पर स्मॉल q आवेश स्थित है, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा, ये एक वर्ग है प्रत्येक कोने पर स्मॉल q आवेश, यहां पर भी स्मॉल q, यहां पर भी स्मॉल q, यहां पर भी स्मॉल q और यहां पर भी स्मॉल q, और भुजा क्या है a है, क्या कह रहे हैं वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव क्या होगा, यहां पर विभव क्या होगा, तो देखो ये दूरी अपन को पता है केंद्र वाली कितनी होती है a अपॉन में रूट ऑफ टू, कितने आवेश है चार, तो कुल जो विभव होगा ना वो चार गुना हो जाएगा एक के कारण आवेश का, एक के कारण आवेश क्या होता है के क्यू अपॉन में आर, के की वैल्यू वन अपॉन में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू क्यू है ये, आर की वैल्यू बोलो ए अपॉन में रूट ऑफ टू है यार, ए अपॉन में रूट ऑफ टू ऊपर ले जाएंगे, सही कह रहे हो आप, तो देखो भैया चार से तो चार कैंसिल करो, रूट ऑफ टू को ऊपर ले जाओ, रूट ऑफ टू क्यू अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए, आ रहा है क्या कोई सा, कौन सा है पहला ही है क्या, रूट ऑफ टू क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट ए पहला ही है यार, देखो आगे पीछे तो है संख्या, बस
बाकी पहला ये नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन अपने पास रखिएगा आप, है ना। आगे देखिएगा, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, अरे द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है भाई। द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू टू ए, तो Q का मात्रक तो क्या हो गया कूलाम, और इसका क्या हो गया मीटर, तो क्या बन गया कूलाम इंटू मीटर। नहीं वो सबके नहीं होंगे, सबके हैं तो अच्छी बात है। एक प्रोटॉन से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव का मान, सुनो, एक प्रोटॉन से 0.5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत विभव का मान देखो, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में R, K की वैल्यू तो होती है 9×10^9, ठीक से, तो और Q का मान क्या है, प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 − 19, अरे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही तो होता है, प्रकृति प्लस होती है बस। दूरी कितनी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.5 × 10^-10 वोल्ट। कैलकुलेशन करो देखो फटाफट से, हो गई तो 28.8 आ गए वोल्ट में, देख लो चेक कर लो कितने आ जाएंगे, 28.8 वोल्ट। हाँ कर ले कैलकुलेशन, देख यार जीरो पॉइंट पांच है, 0.5 से 9×2 = 18 हो जाएंगे, 18 × 16 करके देगा 28 आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, 18 × 16 करके देख ले पता चल जाएगा, कर अभी कर, 288 आ जाएंगे, आ गए ना 288 आएंगे, तो पॉइंट लगा देना आगे उस हिसाब से, तो आइडिया लग गया अपन को, तो फटाफट से 28.8 वोल्ट आ जाएगा आपके, हो गया है। आगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर क्यू आवेश स्थित है, इस पर क्रियाकारी बल एफ है, शब्द ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव तो भैया द्विध्रुव है, तो क्रियाकारी बल क्या होगा, आवेश क्यू की दूरी दुगनी कर दी जाए, तो भैया विद्युत द्विध्रुव के लिए ध्यान रखना, अरे नहीं विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के क्यूब के क्या होती है, व्युत्क्रमण पाती है, और वैसे आर स्क्वायर के होती है, लेकिन द्विध्रुव के लिए क्या होती है, दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमण पाती होती है, इसका मतलब बल भी इसी अनुपात में चेंज होगा, तो भैया ये क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, अगर इसको भैया दुगना करेंगे तो ये लो 2×3 कितना हो गया, 1/8 हो गया यार, कितना रह जाएगा पहले का F by 8 रह जाएगा ना, हो गया कितना रह जाएगा F by 8, अरे अक्ष पर क्या फॉर्मूला था, E बराबर 2kp अपॉन में R का क्यूब, तो लिया था अपने, देखो भैया एक समबाहु त्रिभुज के तीन कोनों पर समान आवेश स्थित है, त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव V और विद्युत तीव्रता E के लिए सत्य कथन है, अरे भैया तीव्रता तो शून्य हो जाएगी यार, लेकिन विभव शून्य नहीं होगा, सीधी सी बात, ये चौथा ही आ गया, V इज नॉट इक्वल 0 बट E इज इक्वल टू 0, क्लियर। किसी विद्युत क्षेत्र में 500 वोल्ट विभव वाले बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन को लाने में किया गया कार्य, ये लो कार्य बराबर आवेश इंटू, अरे वोल्ट है क्या, ये हो जाएगा क्यू वी, क्यू का मान किसको ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, क्या इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश हो जाएगा −1.6×10^-19, वी का मान 500 वोल्ट, ये लो भैया 16×5 80, 8 वाले माना चाहिए, चलो सोल्व कर लेते हैं पूरा,
क्योंकि दो आठ आ रखे, एक ग्यारह आठ, एक ग्यारह आठ माइनस, अच्छा इसमें प्लस है क्या? बस फिर तो हल करने जरूरत ही नहीं है अपने, ये लो अपना आप ही माइनस वाला आएगा, कौन सा आएगा? माइनस वाला आ गया, फोर्थ ऑप्शन सोल्व कर लो चाहे, हो गया। नेक्स्ट देखो, नाभिकीय अभिक्रियाओं में संरक्षित रहता है आवेश रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षण होता है, रेखीय संवेग सब कुछ संरक्षित रहता है इनमें, तो क्या भाई? देखो मॉडर्न फिजिक्स जो है रेडियो धर्मी रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर है, नाभिकीय भौतिकी, हाँ वो तो पढ़ा चुके हैं, वो तो पढ़ा चुका मैं, तो आप लेट हो गए होंगे, बाकी मैं पढ़ा चुका था इस बैच में भी, दूसरे बैच में पढ़ा चुका था, दूसरे बैच में पढ़ा चुका था। आगे देखो, एक अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अरे भाई अल्फा कण है क्या? ये लो, अल्फा कण होते हैं हीलियम के नाभिक, Hg4 होते हैं अल्फा कण हीलियम के नाभिक के, Hg4 मतलब दो तो प्रोटोन और दो ही क्या हो गए? न्यूट्रॉन। अरे जब तो द्रव्यमान संख्या चार होगी, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉनों के, ये लो हो गया भाई। अल्फा कण होते हैं क्या? हीलियम के नाभिक होते हैं, Hg4 होते हैं हीलियम के नाभिक के, मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? दो हुए। अब बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये भी दो हुए, जब तो द्रव्यमान संख्या चार हुई तो ये आ गया ना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के तुल्य होगा, हो गया चौथा ऑप्शन ही तो बन गया, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का क्या आ गया? तुल्य आ गया, हो गया क्लियर। एक मिनट रुको, ये दो प्रोटॉन, अच्छा द्रव्यमान पूछ रहा है इसमें, अल्फा कण का द्रव्यमान पूछ रहा है भैया, ये तो देखो सुनो, अब सुनो, ये तो अपन ने देख लिया कि अल्फा कण में ये आ रहा है कि इसमें ये पूछ रहा है किसके बारे में, वो तो देखो आप, ये तो अपन, ये अल्फा कण होता क्या है वो है, अल्फा कण के अंदर तो क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन दो हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हो गए दो हो गए, तो अपन ये मानते हैं कि द्रव्यमान इनके बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको पता है जब किसी नाभिक का निर्माण होता है तो द्रव्यमान में थोड़ी सी कमी आती है, अरे अपन एक किलो गेहूं को पिसवाएंगे तो एक किलो आटा थोड़ी बनेगा, कुछ तो कम आएगा ना, तो जब नाभिक का निर्माण होता है तो अपन ये सोचते हैं कि उसका जो सैद्धांतिक द्रव्यमान है वो तो क्या आ गया, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का योग हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली मान उसे थोड़ा सा क्या आता है, कम, थोड़ा सा कम आता है, क्यों कम आता है? क्योंकि वो द्रव्यमान में जो क्षति हुई है वो किसमें बदल जाएगी? ऊर्जा के रूप में। तो इसलिए देखो, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, चार प्रोटॉन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसके क्या तुल्य कब होता है अगर द्रव्यमान नहीं पूछता तो, लिख रहे इसे, दो प्रोटोनों में दो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा कम होता है, क्यों कम होता है? द्रव्यमान क्षति के कारण, द्रव्यमान क्षति, इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, तभी तो निर्माण होगा उसका, हो गए। 19वें के बाद 20वें पे आ जाओ, निम्न में से किसका निर्वात में वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं है? तो सुनो भैया, फोटोन का होता है, फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, गामा किरण का भी होता है, रेडियो तरंगों का भी होता है, किसका नहीं है? बीटा का नहीं है, बीटा कण का वेग नहीं है, ये थोड़ा कम होता है, बाकी फोटोन तो प्रकाश के कण है, रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और गामा किरण भी रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगे। हाँ भैया ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, है ना, थोरियम 228, देखो कैसे सोल्व करेंगे, ये 90 है, इससे क्या बन गया है? बिस्मिथ। अरे भैया देख पढ़ अच्छे से, 83 में बदलता है तो उत्सर्जित अल्फा कणों,
अल्फा कणों की संख्या और बीटा कणों की संख्या कितनी होगी? अल्फा कण क्या होते हैं? HeFO2 होते हैं, इनकी संख्या मैंने क्या ले ली? एक्स। बीटा कण होते हैं E-1 0, ये मैंने ले लिए वाई। बन गई समीकरण, देख लो इक्वेशन बना के सोल्व करो, आराम से आ जाएगी संख्या। जिन्होंने पढ़ी वो तो करेंगे। देखो ये ऐसे देख, अल्फा कण क्या होते हैं? HeFO2 होते हैं, उनकी संख्या मैंने क्या मान ली? एक्स। बीटा कण क्या होते हैं? E-1 0, क्या मान ली संख्या? वाई। एक्स और वाई ज्ञात करना है। अब ये दो पर कंपेरिजन करो, देखो 228 बराबर 212 प्लस कितना हो गया है ऊपर 4x प्लस वाई 0 है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। बताओ 228 में से 212 घटाओ, 16 बच रहे हैं, 16 बराबर कितने? 4x, तो x बराबर कितने आ गए? 4। तो 4 तो अल्फा कण आएंगे यार, किस किस में आ रहे हैं 4 अल्फा कण? 3 में आ सके, बीटा कण इससे ज्यादा होंगे नहीं, कह रही है तो संभव नहीं ऑप्शन। अब बीटा और निकाल ले क्या? चलो देखो वापिस देख लो, 228 बराबर, ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी केमिस्ट्री में भी आ सकता है, 212 प्लस 4x हो गया ना प्लस वाई 0, ये तो 0 ही गया, 228 में से 212 घटाओ कितने बच गए? 16 बराबर कितने रह गए? 4x, तो x बराबर कितने आ गए? 4। तो अल्फा कणों की संख्या 4 हो गई, तो कंफर्म हो गया, या तो ऑप्शन ये या फिर ये। अब आ जाओ आगे, किसके निकालने? बेटा की संख्या। तो देखो नीचे वाला कंपेरिजन करो, 90 इज इक्वल टू कितना हो गया है? 83 प्लस कितना हो गया है? 2x, देख लो, अरे नीचे 2 है ना, x गुणा हो रहा है, प्लस y कितना है? -1 हो गया। तो इधर देखो वापिस से 90 माइनस 83 7 बच जाएंगे, 84 नहीं कहीं है, देख लेने एक बार। इधर देखो कितना रह गया 2, x की वैल्यू कितनी है? 4, ये क्या हो गया? -y। अब देखो भैया 4 दूनी 8, 8 को इधर लाओगे तो माइनस का 1 माइनस वाई, तो y बराबर 1, यानी बीटा कण की संख्या क्या है? 1, और अल्फा कण की संख्या 4, कौन सा आ गया? चौथा। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अपन ने तो कंपेरिजन कर लिया, तो पहले अपना भी अल्फा आ गया क्योंकि y तो 0 है ना ऊपर, तो बीटा अपना भी 0 आ गया। नीचे से अल्फा कैसे निकालेंगे? क्योंकि y का मान पता होगा तभी निकालेंगे, क्योंकि नीचे तो y फंसा देगा अपन को, है ना, y अपन क्या करेगा इसमें फंसा देगा। हो गया क्या? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 मिली क्यूरी सक्रियता का तात्पर्य है, जरा देखें भैया 1 मिली क्यूरी सक्रियता का तात्पर्य बता दूं मैं, 1 मिली क्यूरी MCI ये होता है 37 रदरफोर्ड, 1 मिली क्यूरी 37 रदरफोर्ड के बराबर होती है पहली बात, और 1 रदरफोर्ड बराबर होते हैं 10^6 विघटन प्रति सेकेंड, 10^6 विघटन प्रति सेकेंड, यानी इसे लिख सकता हूं मैं 3.7 × 10^7 विघटन प्रति सेकेंड। अब आ जाओ, अब ऑप्शन देखते हैं, 3.7 × 10^7 विघटन पर सेकेंड होगा, सही है, 37 रदरफोर्ड होगा, ये भी सही है, 1 मिलीग्राम, अरे ये भी तो सही है यार, 1 मिली क्यूरी 37 रदरफोर्ड, पहला भी सही दूसरा भी सही हो गया, ये रहा मैंने सारा हिंट लिख दिया, 1 मिलीग्राम रेडियन 226 से प्राप्त विघटन पर सेकेंड, ये भी सही है यार, इसकी परिभाषा है 1 मिलीग्राम रेडियन 226 से जो विघटन होता है ना वो 1 मिली क्यूरी कहलाता है, तो इसका मतलब कौन सा आ गया? उपरोक्त सभी, और सीधी सी बात है दो सही है तो अपना भी उपरोक्त सभी आ जाएगा, यह मैंने हिंट लिख दिया पूरा, 1 मिली क्यूरी का मतलब 37 रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड में कितने हैं? 10^6 विघटन पर सेकेंड है, आ गया ना। वैसे देखने पर तो क्या लग रहा है, पहला ही ऑप्शन आ गया, लेकिन ध्यान रहे भैया दूसरा भी तो है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगला देखो,
एक रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श छायांक लैम्डा है और अर्धायु कैपिटल टी है कि सक्रियता 9 वर्ष में प्रारंभिक सक्रियता ए नोट की तिहाई हो जाती है, एक तिहाई हो जाती है। क्या? हाँ हाँ, देखो मैंने क्या किया उसमें गौर करो आप। अच्छा पीछे वाले में देखो, देखो इधर मेरे पास कितना लिखा है, मैंने देखो इधर 37 गुना 10 की घात 6 आया है ना भैया। मैंने क्या किया, 10 से गुणा कर दिया और 10 से मैंने भाग दे दिया, तो कितना हो गया 3.7 10 एस टू पावर 7 हो गया है ना, ऐसे किया। ठीक, अगला देखो, एक तिहाई हो जाती है तो 9 वर्ष पश्चात गामा ही है, 9 वर्ष पश्चात गामा, सॉरी गामा क्या है इसमें, लैम्डा होगा, ये तो लैम्डा है, ये लैम्डा का मतलब छायांक। लैम्डा क्या लिख दिया, ये 9 वर्ष पश्चात लैम्डा वेग का छायांक। अच्छा तत्व है ये शब्द, तत्व है, तत्व शब्द है ये, जो टाइप होने में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखो है ना आपके सही है, इसमें गड़बड़ आ रही है बस, है ना। तो ये शब्द क्या है यहाँ पर, तत्व है भाई, 9 वर्ष पश्चात तत्व का छायांक तथा अर्धायु काल का मान क्या होगा। अरे भाई एक पदार्थ का तो छायांक फिक्स होता है, उसका अर्धायु काल भी क्या होता है, निश्चित होता है। भाई यूरेनियम का इतना है तो इतना है, थोरियम का इतना है तो इतना है, फिक्स है वो, तो इसका मतलब जितना पहले है उतना ही रहेगा, कितना कितना लैम्डा और टी, उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, सवाल को फालतू हल करने की जरूरत नहीं है अपन को। हो गया क्लियर, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये 23वां। हो गया भैया, अगला सवाल देखो, अगर एक रेडियोएक्टिव पदार्थ अपने माध्यायु के समय के बराबर, माध्यायु के बराबर समय में विघटित होता है तो प्रारंभिक पदार्थ का भाग जो कि विघटित नहीं होगा, अरे भाई बचावा भाग ये रह जाता है एन नॉट अपॉन में ई अर्धायु काल में, इसको अपन ने यो भी कहा था 0.37 एन नॉट, यानी कि 37% बच जाता है अर्धायु काल में, या यो कह सकते हैं 63% क्या होता है, विघटित हो जाता है। 1 अपॉन में ई, तो 1 अपॉन में कौन सा रखा है, आ गया ना ये वाला आंसर आ जाएगा, मान की जरूरत ही कहा है, तो परिभाषा है, तो ठीक है ना, सिंपल परिभाषा है तो थी। कहाँ हो गया, 24 नहीं है भैया, 30 है क्वेश्चनों की संख्या, तो आगे और कैसे नहीं आ रहे क्वेश्चन, हाँ 27 हो गए, फिर और क्वेश्चन कैसे नहीं आए इसे भाई, नहीं 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 क्वेश्चन 30 थे भैया, ये रहा पेपर, हाँ पेपर है ना आपका, देखो देखो भाई मैं कर देता हूँ इनको सोल्व, ये लो पेपर से देखो है ना, पेपर है ये, 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा होगी, ये लो, तो अपन को इसको हटाए दें, ये लो भाई, ये लो, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 27वां था ना, ये 27 का 24वां था, 24वें के बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25वां, ये पूछ रहे हैं 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा, यानी कि डेल्टा एम का मान कितना है, 1 किलोग्राम है, सही बात है, 1 किलोग्राम है तो ऊर्जा E बराबर डेल्टा एम सी का स्क्वायर, ये 1 हो गया, C का मान 3 × 10^8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का कितना हो जाएगा 16 जूल, 9 × 10^16 जूल। अब सुनो ये है, अब ऑप्शन में ये नहीं दे रखा, ऑप्शन में क्या है, 9 को अगर लगभग 10 मान ले अपन, तो ये 10^16, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 10^17,
लगभग 10 की घात 17 आ जाएगा। पेपर में देख लो, ये आंसर में आ जाएगा आपके पेपर के हिसाब से आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लो भाई। 25वां 26वां क्वेश्चन देखो, मैं लिख रहा हूं पेपर से आपके से। सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किस तत्व की होती है? सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आयरन की है। सर्वाधिक प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा वाला तत्व वो है Fe5626। हाँ, आयरन। इसका मतलब ये सर्वाधिक क्या है? स्थायित्व। इसका मतलब यह है कि भू जो क्रोड है, पृथ्वी है, उसमें पिघली अवस्था में जो धातु है उनमें कौन है? आयरन ही है। आयरन का भी समस्थानिक है लोहा, निकिल और कोबाल्ट, इनकी ज्यादा होती है। है। नहीं भैया, आयरन होगा। हाँ, प्रकृति में उपस्थित एल्यूमिनियम हो सकता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो हाइड्रोजन, मैं कह रहा हूं भू क्रोड के अंदर। लेकिन हाँ, लेकिन अगर ये कही जाए कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किसकी है, वो आयरन की है। आगे चलो, ऊपर ही बढ़ेंगे फिर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 26वें के बाद 27वां। इसमें क्या कह रहे हैं, वक्र द्वारा दर्शाया गया यदि लगभग समान द्रव्यमान के दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक नाभिक बना दिया जाए। देखो भाई, हल्के नाभिक, रुको, हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाए, तो याद रखना अगर दो हल्के नाभिक दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी और ऊर्जा भी क्या होगी? उत्सर्जित, क्योंकि उनका स्थायित्व तो बढ़ेगा। जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, मध्यवर्ती, उनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। तो अपन कह सकते हैं बनाए तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा भी क्या होगी? उत्सर्जित होगी। हाँ, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और हाँ, इसका स्थायित्व तो है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं ये पॉइंट? पहले में देख लो अपने पेपर के अंदर, पहला पॉइंट ही आ गया यार, बढ़ेगी। ई अपॉन में का मतलब क्या है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ेगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब होता है ई अपॉन में ए, ठीक है ना? ई अपॉन में ए, यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होगी? इसमें बढ़ेगी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है अगले क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, 28 नंबर का ये लो भैया, ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है पहले। यूरेनियम 235 से प्रति परमाणु विखंडन ऊर्जा प्राप्त होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो लिख देता हूं, U-235-92 नाभिक के, या नाभिक से कर देता हूं, और क्या करते हैं, नाभिक से प्रति विखंडन,
प्रतिविखंडन प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, मेगा कैपिटल में आएगा, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 29वां देखें, क्वेश्चन आया नहीं इसमें। नाभिकीय भट्टी में भारी पानी काम में लेते हैं क्योंकि किसके रूप में कार्य करता है? मंदक के रूप में। हाँ, थ्योरी का क्वेश्चन है, लास्ट के दो ही। न्यूक्लियर रिएक्टरों में, लिख रहा हूँ भाई मैं पूरी लैंग्वेज ही, न्यूक्लियर रिएक्टरों में भारी पानी यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड मंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। और जानना, भारी पानी के साथ साथ ग्रेफाइट का भी यूज है। तो 30वें क्वेश्चन में ये दो क्वेश्चन थ्योरी के थे लास्ट के। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। हाँ, ग्रेफाइट ये भी किसका कार्य करता है? मंदक का। तो मंदक के रूप में भारी पानी भी है, ग्रेफाइट भी है, बेरिलियम ऑक्साइड भी है। क्या है? बेरिलियम ऑक्साइड। लेकिन इंडिया की एक ऐसी भट्टी है, भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के अंदर है, यहां जो भट्टी है उसका नाम है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा, है ना? जो अप्सरा है वहां पूरा नाम क्या है? बीएआरसी का भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इस अप्सरा के अंदर मंदक के रूप में साधारण पानी यानी कि H2O का उपयोग किया जाता है। और ये कहां है? मुंबई में, ध्यान रखना। बाकी सबके अंदर या तो ग्रेफाइट होगा मंदक के रूप में या फिर कौन होगा? भारी पानी होगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए भैया ना। किसका? 30वें का आ गया ना, मंदक के रूप में। 30वां क्वेश्चन ये है, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करने में। मंदक का मतलब क्या है मैं लिख देता हूं, इसका मतलब ये लो, मंदक का मतलब है न्यूट्रॉनों